I think it is a serious threat to Royal Enfield owners and Royal Enfield company because ये गुड़गुड़ाहट idle condition. थोड़ा सा explore करते हैं. नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर. और अभी मेरे साथ होंडा की नई नवेली CV350 है. अब आप सोच रहे होंगे मोटरसाइकिल कहां पे आई है, तो जिन्हें पसंद है रॉयल एनफील्ड की क्लासिक, तो उससे तगड़ा मुकाबला मिलेगा इस मोटरसाइकिल से. क्यों है खास, क्या कुछ है इसमें, कितनी कीमत पर लॉन्च हुई है और इसमें क्या कुछ ऑफर किया है होंडा ने और किसे वो टारगेट कर रही है, ये सब कुछ आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा. तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके बहुत सारे डाउट भी क्लियर होंगे और जिन लोगों को लगता है कि वो छले गए हैं क्लासिक में, अब उनको क्या ऑप्शन मिल रहा है बाजार में ये भी पता चल जाएगा. तो ये दो वेरिएंट में आती है, एक हो गया डीएलएक्स ये खड़ा है यहाँ पर इस साइड में आप देख सकते हैं, और ये जिस मोटरसाइकिल के साथ बैठा हूँ ये है डीएलएक्स प्रो. कीमत कहाँ से शुरू होती है, तो 1,99,000 रुपये एक शोरूम कीमत है इसकी और 2,20,000 रुपये के आसपास एक शोरूम आपको देना पड़ेगा इस प्रो वेरिएंट के लिए. तो इसमें क्या कुछ मिलता है सामने आपको दिखाता हूँ. तो सबसे पहले प्रो देख लीजिए, यहाँ पर आपको जो हेडलैम्प सेटअप मिलेगा, अगर आपने हाइनेस देखा होगा ना तो उसका बड़ा स्वरूप यहाँ पर मिलने वाला है. LED है, काफ़ी इफेक्टिव लग रहा है और मैंने अपने नाइट राइड रिव्यू में जिक्र किया था उस समय हाइनेस के कि बहुत ही इफेक्टिव लाइट रहती है. तो आप देख सकते हैं क्या सेटअप यहाँ पर मिलता है. साथ में देखेंगे तो मेटल का पार्ट काफ़ी अच्छा, मतलब ये सब कुछ टच करने में, यहाँ से अगर देख रहे होंगे तो जिनको रॉयल एनफील्ड पसंद रही है ना, तो मुझे लगता है उनको तगड़ा जवाब मिला है यहाँ से. और अलॉय का पैटर्न काफ़ी अलग रखा गया, तो ब्लैकआउट ट्रीटमेंट के साथ में बहुत अच्छा दिया गया है. 190/19 का टायर प्रोफाइल मिलता है और सामने आपको ये डिस्क मिल जाता है इस अंदाज में. तो मतलब आपको आगे पीछे जो डिस्क मिल रहे हैं इसकी ब्रेकिंग को इन्हेंस करते हैं और बहुत जल्द इसका राइड रिव्यू लेके आएंगे और आपको बताएंगे चलाने में कैसी है, क्या सच में ये उसके मतलब रॉयल एनफील्ड जिसको पसंद है उन क्लासिक को तगड़ा मुकाबला दे पाएगी या नहीं, तो वहां पर इसका जिक्र किया जाएगा. यहां पर जो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है ये भी काफी अच्छा लग रहा है, मतलब डिजाइन के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे तो ये कहीं से आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है. और इसका ट्रेवल वगैरह क्या होगा तो राइड में इसका जिक्र किया जाएगा. जब आप साइड में आएंगे तो क्या कुछ मिलता है दिखाते हैं. तो साइड में देखिए आपको एक ये जो इंजन मिल रहा है ये मतलब वही एयर कूल्ड इंजन है 350cc का, 349cc एग्जैक्टली, और 21 PS के आसपास का पावर आउटपुट मिलता है, 30 Nm का टॉर्क देती है. और यहां से जो आप देख सकते हैं पैकेजिंग दी गई है, यहाँ पर आपको फेंस पे ये मिल रही है, फिनिशिंग ये काफ़ी अच्छी लग रही है और ये तगड़ा मुकाबला दे सकती है क्लासिक को. जिनको क्लासिक पसंद है उनको ये 100% पसंद आने वाली है. इंजन का जो ट्रीटमेंट मिलने वाला है आप देख सकते हैं किस तरीके से माउंट किया गया है, तो मतलब आपकी राइड को ये इन्हेंस करेगी, खास करके उस राइड को जहाँ पर आप उस राइडिंग वाले ऑरा को जीना चाहते हैं. आप देखेंगे तो इस पे एग्जॉस्ट पे आपको क्रोम, पूरा क्रोम वाला एग्जॉस्ट मिलता है, पीछे की साइड में जाएगा और यहाँ पर फुटपैक का ये मिल जाता है, फुटपैक मिल जाता है पिलियन का और ये राइडर का फुटपैक जो कि काफ़ी अच्छे अंदाज में दिया गया. ब्रेकिंग वगैरह एकदम पारंपरिक अंदाज वाली रखी गई है, ऐसा कुछ नहीं किया गया जहाँ पर आपको अलग लगे. और ये CV350 की बैजिंग यहाँ पर आपको मिल जाती है और यहाँ पर भी आपको क्रोम का अच्छा इस्तेमाल मिलेगा. टैंक पे देखेंगे तो 15 लीटर का टैंक है, यहाँ पर आपको ये गार्ड मिल जाता है, होंडा की ये का लोगो मिल जाता है. और जब पीछे की साइड में आएंगे तो यहाँ पर आपको पारंपरिक जैसे आपको मिलता था कि ड्यूअल शॉकर मिलते थे ना, उस तरीके का शॉकर यहाँ पर मिलता है, यहाँ भी आपको डिस्क मिल जाता है. और जो ये पीछे वाला टायर प्रोफाइल मिल रहा है थोड़ा सा विड्थ में चौड़ा है, इसका जो टायर प्रोफाइल है ये आपको 130/70/18 का मिल जाता है, तो ये सब कुछ मिला के काफ़ी अच्छा बन पड़ रहा है. इस साइड में आएंगे जब रियर देखेंगे तो रियर भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर आपको इस तरीके का टेल लैंप मिलेगा जो कि LED है और इस तरीके का ये टर्न इंडिकेटर काफ़ी अच्छा दिया गया है, नंबर प्लेट वगैरह लगेगा काफ़ी अच्छा यहाँ पर बन पड़ेगा और ये मडगार्ड मेटल में ये भी अच्छा लगने वाला है, तो पूरा डिज़ाइन ही काफ़ी अच्छा लग रहा होगा आपको. इस साइड में जब आएंगे तो देखेंगे कुछ चीज़ें यहाँ पर भी देखना ज़रूरी है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई जैसे कि सारी गार्ड इस तरफ मिलता है, खुला हुआ मड गार्ड मिल जाता है और ये यहाँ पर आपको CV350 के बैजिंग, मतलब ओवरऑल आपको ये अच्छा कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है. अब बात करते हैं सीट की, तो सीट आपको यहाँ पर ड्यूअल सीट मिलती है, एक यहाँ एक यहाँ, और ये काफ़ी प्रीमियम है. मैं बैठूँगा कैसा रहूँगा तो मैं पहले बैठ के दिखा देता हूँ आपको. तो मेरी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है और उस लिहाज से आप सोचिएगा कि मैं कितने कंफर्टेबल हूँ. तो यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा राइट पोजीशन होने वाला है काफ़ी परफेक्ट आ रहा है, मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ इस मोटरसाइकिल को चलाने का. और हैंडल वगैरह काफ़ी अच्छी दी गई है और यहाँ पर आकर देखेंगे इस साइड में जब फीचर्स की अगर बात करेंगे तो ये हजार्ड लैंप का यहाँ पर स्विच यहाँ पर मिल जाता है, इस तरह से यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं. इस साइड में आपको कुछ स्विच मिल जाते हैं जहाँ कि आप इस MID को भी एक्सेस कर सकते हैं, तो यहाँ पर बटन दिया गया है. हॉर्न कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर मिलता है और यहाँ MID पे जो इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं. तो ये ट्रिप ए, ट्रिप बी, रेंज सब कुछ आपको यहाँ पर पता चलता रहेगा. तो ये भी काफ़ी कुछ हद तक हाइनेस से मिलता जुलता है और चीज़ें बड़े अच्छे से दी गई हैं. इसकी चाबी भी आपको दिखा देता हूँ, तो चाबी कुछ इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर इजाद की है, इस तरीके से दिया है. और अगर
साइड व्यू मिरर की बात करेंगे तो ये भी काफ़ी कुछ हद तक आपको मतलब क्लासिक की याद दिलाएगा, और ये उससे बेटर यहाँ पर आपको प्लेसमेंट में मिलने वाला है। क्वालिटी वगैरह भी आपको नेक्स्ट लेवल की यहाँ पर मिलने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया एग्जॉस्ट कैसा है, क्या मतलब वो जो आप एग्जॉस्ट बोलते हैं ना पोटैटो साउंड वैसे टाइप का कुछ मिलता है तो यहाँ पर मिलने वाला है नहीं। तो क्या काम करते हैं, इसका आपको एग्जॉस्ट सुनाते हैं, एक बार इंजन स्टार्ट करते हैं। तो आइए सुन लेते हैं इसका एग्जॉस्ट। ये गुड़गुड़ाहट आइडल कंडीशन, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। पक्का पता है ये आवाज़ आपको अच्छी लगी होगी, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको बताता चलूं, इसमें आपको जो रंग मिलते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी कलरफुल हैं, और होंडा इसे जहाँ से बेच रही है वो बिग बिंग के सहारे, मतलब बिग बिंग से अपने जो उनके प्रीमियम बाइक का शोरूम है बिग बिंग, वहाँ से बेच रही है। तो आपको भीड़ में नहीं जाना है, मतलब आपको एक स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ में मोटरसाइकिल खरीदने को मिल जाएगी। अगर आप कुछ तलाश रहे हैं अलग, जहाँ पर आपने क्लासिक में अपना सपना देखा था, क्योंकि जो क्लासिक में बदलाव किए गए हैं वहाँ पर क्लासिक का बहुत सारा जो मतलब जिस लोग टची पॉइंट था वो मिस हो गया है, बहुत कुछ नए अवतार वाली चीज़ें हो गई, तो बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं लग रही हैं, और यहाँ पर कोई लोगों के पास विकल्प नहीं था। तो अगर अब आप विकल्प देख रहे हैं तो मुझे लगता है होंडा ने एक परफेक्ट विकल्प यहाँ पर दे दिया है, जो आपको डिज़ाइन से डिसअपॉइंट नहीं करेगा, और कंफर्ट की बात करेंगे तो कंफर्ट से भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। ये कितनी कंफर्टेबल है पिलियन के लिए ये भी देख लेते हैं, फिर वीडियो ख़त्म करते हैं। इस बाइक का वॉक अराउंड करते करते मुझे एक डॉक्टर साहब मिले जो कि रॉयल एनफील्ड के बहुत बड़े फ़ैन थे, तो उनसे पूछते हैं उन्हें ये बाइक कैसी लगी। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? सर आई एम फाइन एंड थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी टू दिस वीडियो। And I personally rode Royal Enfield for almost 5 to 6 years, and I have been connected to Royal Enfield company through my friends, because all my friends have the same motorbike, Royal Enfield 350. Some of them is owning the Meteor 350. So I am personally looking back to switch again to Royal Enfield, because in the past when I took the delivery of Thunderbird 500. I face so many issues, and the bike doesn't have even a ABS at that point of time. So that was a very low moment for me having the Royal Enfield bikes. इसके बारे में क्या बोलेंगे आपको? आपको लगता है कि Royal Enfield के लिए एक टक्कर मिलेगी? I think it is a serious threat to Royal Enfield owners and Royal Enfield company, because it's a direct competition to their legendary bike, which is Classic 350, as you very well aware about that. So it's a beautiful, gorgeous looking bike. I would love to own this bike in near future. That's why I'm here, and it's my coincidence that I met you today. तो डॉक्टर साहब का मन डगमगा रहा है, लग रहा है उनको कि होंडा पे आ जाएंगे, मोहब्बत रॉयल एनफील्ड है, लेकिन होंडा इनके गैराज में होगी या नहीं अभी देख रहेंगे फिर बताएंगे। तो ये ओपिनियन जरूरी था। तो मेरे साथ यहाँ पर संदीप हैं, और संदीप को मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाई एक बार बैठिए पीछे इस बाइक पर, देखें जरा जब पिलियन बैठेगा तो कितना कंफर्टेबल रहेगा। संदीप जी आ जाइए, बैठ जाइए। और ये संदीप जी बैठ गए हैं, मतलब टच नहीं हो रहा है एकदम। कितने कंफर्टेबल पूछता हूँ, कितने कंफर्टेबल हैं आप? मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। कैसा लग रहा है अभी? इसके पहले कौन सी बाइक पर बैठे हो आप? ऐसे मैं तो नॉर्मल शाइन में बैठा हूँ मैं। अच्छा, शाइन पे। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बिठा के लेके चलना चाहूँगा तो कितनी दूर मेरे साथ जाना चाहोगे? सर कम से कम 3-4 घंटे का सफर आराम से कर ही सकते हैं हम। 3-4 घंटे कर लेंगे। तो मतलब मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर कोई पिलियन आपके साथ बैठेगा तो इससे आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। मतलब देखिए जरा सा कि इनका मतलब यहाँ पर टच नहीं हो रहा है, कि यहाँ क्या कि मेरे हिप्स पे टच हो रहा है, कुछ नहीं, इनका पैर एकदम फ्री है और आराम से बैठे हुए हैं। जब हम राइड कर रहे होंगे इसे तो हमारी पोजीशन ये होने वाली है। इससे आप अंदाज़ा लगाइएगा कि पिलियन के लिए कितनी कंफर्टेबल होने वाली है। मुझे लगता है जो लोग लेह वगैरह जाते हैं उनको एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए थी जो थोड़ी सी कंफर्टेबल हो और लंबी दूरी की यात्रा भी करवा जाए, और उन अपने साथ सामान भी बांध सके, पिलियन भी बिठा सके। तो मुझे लगता है ये मोटरसाइकिल जवाब के रूप में आ गई है। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो कॉमेंट करके ज़रूर बताना। इंतजार कर रहे हैं कॉमेंट बॉक्स में, ऐसे और वीडियोज़ के लिए बने रहिए, देखते रहिए हमारे इस चैनल पावर ऑन व्हील को।